से एक नई खबर के साथ लौटाऊँ जो कि किसान के बारे में है। तो जो भी किसान है आज ठीक से देख लो ये वीडियो कि अभी जो किसान का लॉटरी निकला है 2 लाख आदमियों का, तो ऐसा कुछ मैसेज आया होगा। ये देखिए, ये मराठी में है। कृषी विभागाच्या योजनांच्या ऑनलाईन सोडतीत आपली निवड झाली असून तपशील व विहित कालावधी कागदपत्रे अपलोड करणे महाड बी टी पोर्टलवर लॉग इन करणे। इसका मतलब यहाँ पे पता है कि जिसका भी ऑनलाइन में आपका एलिजिबल हो गए है स्कीम में, तो आप वहाँ पे जाइए और डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। ऐसा एक कुछ मैसेज आया है। तो उसके बाद उन्होंने जो एक लिस्ट जारी की थी कि कैसे करें वो बता रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे उन्होंने महा डीबीटी के यहाँ कैसे कैसे करना है ये सब प्रोसेस बताया है। तो मैं वो आज प्रोसेस बता देता हूँ। तो पहले तो महा डीबीटी के पोर्टल पे जाइए। इस पे जाने के बाद यहाँ पे mahadbt.mahait.gov.in पे कीजिए। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में कर देता हूँ, ये मराठी में है पहले। तो फार्मर स्कीम में जाइए। फार्मर स्कीम में जाने के बाद यहाँ पे सबने जो फॉर्म भरा था यहाँ पे ओपन कीजिए। जो भी आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो डालिए। मैं मेरा डाल देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे जो कैप्चा है वो वैसे की वैसे डालिए। यहाँ पे जो इमेज है और यहाँ पे लॉग इन कीजिए। लॉग इन करने के बाद इस तरह पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जाइए। फिर से मैं यहाँ पे इंग्लिश कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मराठी में है। तो यहाँ पे जाइए माय अप्लाइड कंपोनेंट। तो इसमें ये देखिए, जो भी अप्रूव्ड एप्लीकेशन, रिजेक्टेड एप्लीकेशन, यहाँ पे देखिए ये चेंज हुआ है। अंडर स्क्रूनिटी एप्लीकेशन, यानी कि ये लॉटरी लग चुकी है इसकी, ये भाई की। तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे पावर टिलर है जो कि पावर मशीनरी है उस पर दिया है। तो यहाँ पे सब पहले बता दिया था हमने, जो पहला वाला वीडियो था इसको। तो पावर टिलर मैनुअल ऑपरेटेड एक कुछ तो लगा है और यूनियन स्ट्रक्चर पैक, यानी कि यूनियन स्टोरेज स्ट्रक्चर मिला है। तो उसका आगे का प्रोसेस बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे होम पेज पे जाइए। होम पेज जाने के बाद यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे कीजिए क्लिक। अपलोड डॉक्यूमेंट करने के बाद यहाँ पे इनवाइस और यूज़र डॉक्यूमेंट, तो यूज़र डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पे वो बोल रहा है नगर पोखड़ी, जो कि मेरा भाई का जो गांव है, और ये उसका सर्वे नंबर वगैरह पता है। तो फार्म मशीनेशन और हॉर्टिकल्चर यहाँ पे बताए। तो यहाँ पे मैनुअल अपलोडेड के लिए जो भी है अपलोड डॉक्यूमेंट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, जो कि 8 रहता है वो करना है। यहाँ पे 7/12, यानी कि जो ज़मीन का कागजात रहते हैं वो रहते हैं 8 और 7/12, वो अपलोड कीजिए। उसके बाद अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि मेरा भाई है वो कास्ट से है, तो कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा। और उसके बाद मशीनरी का कोटेशन चाहिए और टेस्ट रिपोर्ट चाहिए। और भी कुछ है, अपलोड ऑफ कॉपी ऑफ आरसी ऑफ बुक ऑफ ट्रैक्टर वगैरह वो भी चाहिए, तो वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद खाली आपको सबमिट बटन क्लिक करना है और आपका काम हो जाएगा। और जो भी फाइल है, जो कि
जेपीजी और जेपीजी और पीडीएफ में चाहिए, और उसका फाइल साइज 15 KB to 5500 KB तक चाहिए। और उसके बाद जो पावर टिलर के लिए डॉक्यूमेंट है वो देखता हूँ, 8A 7/12 अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट कोटेशन फ्रॉम द मशीनरी टेस्ट रिपोर्ट ऑफ द फार्मर मशीनरी आरसी बुक ऑफ ट्रैक्टर, ये कंपलसरी नहीं है, और अदर डॉक्यूमेंट कुछ हो तो यही। और जो कि कादा चार है यानी कि हॉर्टिकल्चर है ओनियन, क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट बता देता हूँ, ओनियन स्टोरेज स्ट्रक्चर है और पैक हाउस है, उसके लिए डॉक्यूमेंट है 8A 7/12 यानी कि 7/12। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये कंपलसरी नहीं है, अदर डॉक्यूमेंट कंपलसरी नहीं है, अदर डॉक्यूमेंट टू यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हो, और प्रोजेक्ट कॉस्ट यहाँ पे अपलोड करना है कितना होगा, तो आपका सब ये हो जाएगा। तो जो भी मेरे भाई है तो जल्दी से जल्दी जाइए, और यहाँ पे आपके जो भी लगा है तो देखिए, पहले तो ऐसा मैसेज आया होगा कुछ तो वो देखिए, तभी जाइए, नहीं तो फालतू में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी जाइए और ये डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, ताकि उसके बाद वो यहाँ पे आ जाएगा माय अपलोड कंप्यूटर। अभी तो अंडर स्क्रूनिटी एप्लीकेशन बता रहा है, यानी कि इसका लगा है, यहाँ पे अप्रूवल होने के बाद जो भी अप्रूवल हो जाएगा तो यहाँ पे अप्रूवल एप्लीकेशन में आ जाएगा, या रिजेक्शन होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो जल्दी से जल्दी कीजिए, टाइम बहुत कम है, कुछ भी हो सकता है। ऐसी फार्म के रिलेटेड या किसान के रिलेटेड या स्पोर्ट के रिलेटेड या कंप्यूटर रिलेटेड या मोबाइल रिपेयरिंग के रिलेटेड जो भी कुछ वीडियो है ये इस चैनल पे डालते रहता हूँ, तो ऐसे वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और पास ही में एक बेल आइकॉन रहता है उस पर क्लिक कीजिए, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाएगा जो भी डालूँगा। तो इसके आगे मैं अगले महीने में एक कोर्स लाने वाला हूँ कंप्यूटर रिपेयरिंग का, तो आपको जो करना है तो आप देखिए, मैं पार्ट वाइज उसका सब सीरीज डाल दूँगा, जैसे ही मेरे को कुछ टाइम मिल जाएगा तो मैं अगला वीडियो भी बना दूँगा, जो कि पिछले वीडियो में बताया था मैंने, लेकिन टाइम नहीं मिला, जो कि इंडक्शन रैली है वो मार्च में 15 to 20, और एक दो दिनों में मैं वो वीडियो डाल दूँगा। तो ऐसे ही वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और कुछ दिक्कत आए हो तो कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल, दैट इज़ टीचनिकल वर्ल्ड बी प्रोफेशनल। थैंक यू।